सरकारी जुमलों की असली हकीकत जानने हम पहुंचेंगे आपके वार्ड। कितने सुने गए आपके मुद्दे, कौन नेता रहा जनता से? बिजली, पानी, सड़क, जमीनी मुद्दों की जमीनी हकीकत जानने, सरकार के दावों की हकीकत जानने, आपकी आवाज को बुलंद करने। हम आ रहे हैं आपके गली, आपके मोहल्ले, आप लोगों के बीच। वार्ड यात्रा सिर्फ जेजेएन न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप वाले मामले के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जहां एक दलित लड़की के साथ उसी के गांव के कुछ लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और फिर उस घटना के 15 दिन बाद उस लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने रातों रात बिना उसके घर वालों की मर्जी के उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। पीड़ित परिवार की तरफ से केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा की जान को खतरा है। अपने एक ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उनकी जान को खतरा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, मेरी जान को खतरा है। हाथरस जिला अदालत में हाथरस गैंगरेप हत्या केस में अराजक तत्वों ने मुझे जान से मारने की और केस छोड़ने की धमकी दी है। इस पर पुलिस ने कहा कि सुनवाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि सीमा कुशवाहा ने इस केस से पहले दिल्ली गैंगरेप केस यानी कि दामिनी गैंगरेप केस को भी लड़ा था, जिसमें इतने सालों की कड़ी लड़ाई के बाद उन्हें जीत और दामिनी को न्याय मिला था। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।